नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचा सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से निकलते निकलते रह गए। जी हां, दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले सीएम केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से केजरीवाल की रिमांड की मांग की, जिसे जस्टिस अमिताभ की बेंच ने स्वीकार कर लिया है। अब केजरीवाल सीबीआई की गिरफ्त में हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद तबियत बिगड़ने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट से ही सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया और इसके बाद उनका शुगर लेवल सामान्य से कम हो गया। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल गिरने के बाद उन्हें चाय और बिस्किट के लिए कोर्ट रूम से बाहर ले जाकर दूसरे रूम में बैठाया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी केजरीवाल को आज सुबह तिहाड़ जेल से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। अवकाशकालीन बेंच के जस्टिस अमिताभ रावत के समक्ष केजरीवाल को पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट से उनकी कस्टडी की मांग की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई का कारण ये था कि वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने शराब नीति को मंजूरी दी थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि रिश्वत लेने के बाद दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में हितधारकों के मन मुताबिक संशोधन किए गए। थोक विक्रेताओं के लिए प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने इसका विरोध किया। जाहिर है सीएम केजरीवाल को पहले निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, जिसके विरोध में ईडी दिल्ली हाईकोर्ट गई थी, जहां हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। वहीं अब सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट पे बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।